बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला सबकी जुबान पर। देखिए इस देश में इंसान की जिंदगी की तो कोई कीमत है नहीं। पुल गिर जाए लोग मर जाएं, भगदड़ मच जाए लोग मर जाएं, तो कोई महामारी आ जाए लोग मरते रहें, तो इस देश में इंसान की जिंदगी कोई कीमत नहीं है। एक व्यक्ति अपना बाबा बाजार खड़ा कर रहा है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। और ये सिर्फ हाथरस की घटना नहीं, पूरे देश में उठा के देख लीजिए क्या होता है। हरियाणा में एक बाबा हत्या का बलात्कार का दोषी है, जब चाहता है बाहर आ जाता है, पूरी सरकार उसके सामने नतमस्तक है। तो अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप ऐसे बाबाओं का बाजार विकसित होने देंगे पूरे देश में, तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं कैसे नियंत्रित होंगी, कैसे रुकेंगी? ये कितनी पीड़ादायक बात है। जो लोग मारे गए समाज के सबसे अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोग हैं, आप उनकी तस्वीरें देखिए, आंखों से आंसू आ जाते, किस तरीके से लाशें बिछी हुई हैं। 121 लोगों की अब तक आधिकारिक जानकारी मिली है कि उनकी जान चली गई। हम लोग एक छोटा सा प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं 144 लगी हुई है, मार मार के लाठी बंद कर देते हैं हमें। उस बाबा को 5,000-8,000 जितनी भी भीड़ की परमिशन थी, कैसे इतनी भीड़ वहां पे इकट्ठा हो गई? भीड़ इकट्ठा हो गई तो पुलिस आपकी कहां थी, प्रशासन कहां था? तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर जा रहे हैं, सिर्फ बयानबाजी करके ना आए, बल्कि उनके लिए ऐसा उचित मुआवजा घोषित करें जिससे उनके परिवारों को थोड़ी राहत मिल सके, थोड़ी तो मरहम लग सके। लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूं, किसी भी धर्म के प्रचारक हों, अनियंत्रित बाबा बाजार पूरे देश में जो चल रहा है, धर्म के नाम पे धंधा जो पूरे देश में चल रहा है, इस पर रोक नहीं लगाई गई तो स्थिति और भयावह।